शगुफ्ता जी की वाह-वाह किस चीज पर होती है? खाना पकाना, खिलाना, दिखाती भी आप अपने ब्लॉग्स में। हाँ, पकाना और खिलाने का मुझे बहुत शौक। हाँ, हमेशा से, हमेशा से। मुझे यासिर ने बताई थी ये बात कि भाई शगुफ्ता तो रात के वक्त भी चले जाओ गरम गरम फुलका उतार के देगी वहीं से गोल्ड रोटी से। ये हाँ। ये कैसे आपके अंदर क्वालिटी आई मुझे बिजी होने के बावजूद भी? हाँ, मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो, मे बी मैंने अपने घर में भी देखा, क्योंकि बेसिक जो हमारा गांव का और वो माहौल था ना, हाँ। उसमें ये खातिरदारी बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ, मेहमान नवाज के आए हैं तो दादी के घर चले गए हैं तो वहाँ पे उस लेवल पे नहीं, लेकिन ये है कि वो जो उनका प्यार और वो खुलूस होता था और चेहरे की जो खुशी होती थी, मैं समझती हूँ कि आप पूरा मेज़ सजा दें खानों से, लेकिन अगर आपके दिल में वो खुशी नहीं है किसी को खिलाने की तो उसका मज़ा नहीं आता बिल्कुल। हाँ। जब तक खिलाने वाले आपके हाथ में वो ना हो, शौक ना हो, बिल्कुल जायका भी आपके हाथ। लोग तो कहते हैं गिफ्टेड होती है ना ये चीज, लोग तो कहते हैं कि है। हाँ। और शुरू से मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक चीजें बनती थी, बेसिक वो नहीं जो मसाले वाला सालन और वो, और उसका बड़ा मजा आता था मेरी अम्मी के हाथ का। फिर जब मैं स्कूल गई तो मैंने होम इकोनॉमिक्स लिया सब्जेक्ट। अच्छा। उसमें फिर ये था कि कभी हमसे कोई बड़ी बड़ी डिशेस बनवाते थे, हलीम बनवा रहे हैं, निहारी बनवा रहे हैं, स्टिचिंग की क्लासेस हो रही हैं, तो उन उन चीज़ों की वजह से ना मेरा काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ठीक है, हाँ ये भी होना चाहिए, कुछ मैनर्स, कुछ टेबल मैनर्स, और ये इस तरह से पूरा एक उन्होंने पॉलिश किया और एक इंटरेस्ट मेरे अंदर आया कि नो, देर इज़ अ डिफरेंट वे टू सी थिंग्स, यू नो, मोर ऑर्गेनाइज, मोर अपग्रेडेड। तो वो फिर घर में निहारी और इस तरह की डिशेस बनना शुरू हुई। हाँ, तो सबको हाँ, बड़ा मज़ा आया कि हाँ भाई ये तो तुम्हारे हाथ में तो बड़ा जायका, हाँ, इतना मज़े का बनाया। हाँ, तो इनकरेजमेंट हुई। ओ, तो बस वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं खाना बनाना और फ्रेंड्स को बुलाना कभी, तो ये फैमिली होता है कि को स्पेशली फरमाइश होती है शगुफ्ता वो तो खिलाओ अपने हाथ का, या बच्चा कोई बोले मम्मा आपके हाथ का आलू गोश्त या जो भी उनको पसंद है वो बना दे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैं शूट पे जा रही, तो मैंने कहा आप नाश्ता कर लीजिएगा, जूस इतने बजे पीना है आपने, मैंने कहा आप स्लाइस क्यों खा रहे हैं, उसके हाथ का पराठा ही नहीं अच्छा लगता, जब आपकी छुट्टी होगी आप बनाइएगा फिर खाऊंगा। वो बहुत वो क्रिस्पी कर देता है, मुझे ज़रा सॉफ्ट पराठा अच्छा लगता है। तो वो कल संडे था, तो एक दो लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया बस हलवा पूरी हो जाए तो क्या बात है। तो हलवा पूरी फिर हलवा पूरी बनी कल घर में। हाँ, सुना हम ब्लॉग देखेंगे वो हलवा पूरी वाला बनाया आपने? हाँ, हलवा पूरी और फिर शाम में अनिया ने कहा कि मैं तो गुड़ वाले चावल खाने आई, फिर शाम में उसके लिए गुड़ वाले चावल बने। किसने कहा? अनिया ने। अनिया ने? हाँ, शी सर मैं तो गुड़ वाले चावल खाने, 3 बजे मुझे कहती मुझे जलेबी खानी है, वो कहती अभी तो कहीं से मिलेगी नहीं, मुझे क्रेविंग हो रही है जलेबी की। मैंने कहा बना दूं, तो माय हस्बैंड सेड रेस्ट, कल बना लेना अभी नहीं, बहुत हो गया। माय गॉड, बड़ी बड़ी दावतें भी होती है, एक साथ भुगता लेती हैं आप, जलेबी भी बना लेती हैं। हाँ, जलेबी भी बना लेती है। बाहर से कुछ भी ना आए, पापड़ी तक दही बड़े की मैं घर पे बनाती थी, पापड़ी, नमक पारे और सब बना के रख देती थी, समोसा बना के फ्रीज कर देती थी, 4 तरह के आलू के, चिकन के, चीज के, चने के, सब वो फ्रीज होते थे, चाट पाट हर चीज घर पे बन रही थी। ओह माय गॉड। हाँ।